स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ रिलेटिव स्टैम्प ऑफ विजिट्स, दैट इज जनरल ट्रेंड्स इन एसेट स्टैम्प्स. ठीक है, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमने जनरल ट्रेंड फाइंड आउट करना है एसेट स्टैम्प का. ठीक है, हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि एसेट्स की स्टैम्प क्या है, दैट इज वीकेस्ट, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है, इसमें हमने उसको फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम जो हम किस पे अपना कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज अ हाइड्रो एसेट्स. ठीक है, हाइड्रो एसेट्स क्या होते हैं, सिंपली दैट इज़ अ बाइनरी कंपाउंड्स. ठीक है, इस बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स जो आपस में मिलकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज़ अ बाइनरी कंपाउंड्स. ठीक है, और इन बाइनरी कंपाउंड्स में हाइड्रो ग्रुप एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड एज अ हाइड्रो एसिड्स. ठीक है, एसिड्स हम उसको क्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जब भी डिसोशिएट करते हैं वो एच पॉजिटिव आयन को रिलीज़ कर देते हैं, ईजिली रिलीज़ कर देते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो एसिड्स बोलते हैं. एक्चुअली दैट इज़ अ बाइनरी कंपाउंड. ठीक है, और इसमें हमने हाइड्रो एसिड्स हैं जो उसको लॉन्ग अ पीरियड भी स्टडी करना है और डाउन अ ग्रुप भी स्टडी करना है. ठीक है, उसको स्टडी करने से पहले हमने बेसिकली जो कंसेप्ट है उसको हम इसमें स्टडी करेंगे. सबसे पहली बात है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जनरली हमने क्या फाइंड आउट करना है, एसिड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है. जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो टू फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर पर भी डिपेंड करती है. सेकेंडली साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, सेकेंडली साइज पर डिपेंड करती है. ठीक है, मेजरली टू फैक्टर्स हैं, फर्स्ट वन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकेंड वन इज अ साइज ऑफ द एटम. ठीक है, हम सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, सबसे पहले हमने हाइड्रो एसिड्स को कंसीडर करना है. कौन से हाइड्रो एसिड्स को कंसीडर करेंगे, दैट इज़ अलोंग अ पीरियड. ठीक है, अलोंग अ पीरियड हम उसको कंसीडर करेंगे. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बाइनरी हाइड्रो एसिड्स हैं, उसका टेबल दिया हुआ है, दैट इज़ अ बाइनरी एसिड्स. ठीक है, हम सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, दैट इज़ CH4NH3H2O और HF. दैट इज़ अ हाइड्रो एसिड बिकॉज इट हैज़ अ हाइड्रोजन. इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, दैट मीन्स दैट इज़ अ हाइड्रो एसिड्स. ठीक है, एसिड क्यों है, क्योंकि जब भी ये डिसोशिएट होंगे वो क्या रिलीज़ करेंगे, एच पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करेंगे. ठीक है, अब हमने दोनों फैक्टर इसमें अप्लाई करने हैं. फर्स्ट वन इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकेंड वन इज़ अ साइज ऑफ द एटम. ठीक है, और अगर हम दोनों फैक्टर में जो फैक्टर डोमिनेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रेंड कंसीडर करेंगे. ठीक है, और इस अब हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका जो स्ट्रेंथ है उसको फाइंड आउट करें, फर्स्ट फैक्टर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकेंड फैक्टर इज़ द साइज ऑफ द एटम. अगर हम साइज़ की बात करें, अलोंग अ पीरियड साइज का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, अगर हम अलोंग अ पीरियड की बात करते हैं तो साइज़ का माइनर डिफरेंस होता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते. बट उसके कंपैरेटिव अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर है दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो उसके अकॉर्डिंग हम किसके अकॉर्डिंग हम इसका जो हाइड्रो एसिड्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, अलोंग अ पीरियड, दैट इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा है और कार्बन की सबसे कम है. दैट मीन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, फ्लोरीन, दैट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. दैट मीन्स अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स दैट हैव अबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट्सेल्फ. ठीक है, तो वो अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ खींच लेगा और ईजिली एच पॉजिटिव आयन को क्या कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग जो एच एफ है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कम्पेयर टू वाटर, एज कम्पेयर टू एन एच थ्री, एज कम्पेयर टू सी एच फोर. That means CH4 is a weakest acid as compared to three others. उसके अलावा अगर हम इन तीनों की बात करें, उसके comparative जो CH4 है, that is a weakest acid. उसके बाद हम बात करेंगे
इसी फैक्टर को इन्होंने एक्सप्लेन किया जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें जो HF है उसका जो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, एज़ कम्पेयर टू मीथेन. दैट इज़ एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, एज़ कम्पेयर टू कार्बन. इसी के अकॉर्डिंग क्या है कि जितनी ज़्यादा एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दैट मीन्स दैट हैव मोर टेंडेंसी टू विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन. उसकी टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है. कहाँ से? हाइड्रोजन से. उसके साथ आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ करेगा. अगर आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ करेगा दैट मीन्स ईजिली जो हाइड्रोजन आयन है वो ईजिली क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. और दैट शोइंग द एसिडिक करैक्टर इंक्रीजेस. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो उसके बाद वाले इसमें यूज़ किए हुए हैं लॉन्ग पीरियड दैट इज़ PH3 H2S और HCl. इसमें भी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है HCl की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू H2S, एज़ कम्पेयर टू PH3. दैट इज़ ऑल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द एटम, बिकॉज साइज ऑफ द एटम अलोंग अ पीरियड इज़ नो मोर डिफरेंस. उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. बट अगर आप बात करें डाउना ग्रुप की, डाउना ग्रुप में अगर आप हाइड्रो एसिड्स की बात करते हैं तो उसमें जो रिलेटिव टेंडेंसी है उसको हम किस फैक्टर मेजरली कौन सा फैक्टर इसमें डोमिनेट करता है? दैट इज़ अ साइज ऑफ द एटम. अगर हम इसमें वैसे बात करें, अगर हम जनरली बात करें इस, क्योंकि जो हाइड्रो एसिड्स है सॉरी एसिड्स की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ मेजरली डिपेंडिंग अपॉन द टू फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकेंड वन इज़ अ साइज ऑफ द एटम. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम डाउना ग्रुप की बात करें दैट इज SHF, HCl, HBr, HI. उसके अकॉर्डिंग क्या है? HI जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एज कम्पेयर टू HF. ठीक है, अगर हम इसमें फर्स्ट फैक्टर अप्लाई करते हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो HF है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. बट एक्चुअली जो इफेक्ट है, एक्चुअली जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है दैट इज़ अ HI. बट इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है वो क्या है, डोमिनेट नहीं कर रहा है, वो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है. ठीक है, अब हम इसमें कौन सा फैक्टर अप्लाई करेंगे? इसमें हम साइज का फैक्टर इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इसमें जो साइज़ है डाउना ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. और जितनी ज़्यादा डाउना ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा दैट मींस उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है, जितना साइज इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी दैट मींस उसकी बॉन्डिंग जो है, जो H पॉजिटिव आयन है उसके साथ इफेक्टिवली नहीं होगी. अगर उसके साथ बॉन्डिंग नहीं होएगी H पॉजिटिव के साथ दैट मीन्स दैट हैव अबिलिटी टू ईजिली रिलीज H पॉजिटिव आयन. बट उसके कंपेरेटिव अगर मैं HF की बात करती हूँ, इसमें जो फ्लोरीन है दैट इज़ अ स्मॉलेस्ट साइज ऑब्वियसली दैट हैव लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू आयोडाइड आयन. दैट मीन्स इट हैव अबिलिटी टू अट्रैक्ट H पॉजिटिव आयन. सो इसमें बॉन्डिंग क्या होएगी, स्ट्रॉन्गेस्ट होएगी और ये ईजिली H पॉजिटिव आयन को नहीं देगा. ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है दैट इज़ अ नॉट अ डोमिनेटिंग. ठीक है, उस फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑपोजिट रिजल्ट मिलता है. उसके अकॉर्डिंग HF क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होएगा. बट एक्सपेरिमेंटली दैट इज फाइंड आउट दैट कि HI है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कम्पेयर टू HF. दैट इज़ अ फुली बेस्ड अपॉन टू फैक्टर. फर्स्ट वन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकेंड इज अ साइज ऑफ द एटम. ये टर्म है मैंने फुली सबसे पहले आपको बता दी है कि अगर हमने साइज़ का फैक्टर देखना है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर शो किया, उसके बाद साइज़ का फैक्टर शो किया. ठीक है, और साइज़ का फैक्टर है वो काफ़ी लार्जर है,
ठीक है, उसका डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण दैट इज़ अ डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो जनरली हमने डिस्क्राइब कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम जो दूसरा कंसेप्ट इसमें लगा रहे हैं दैट इज़ अ बोर्न फेजान हैबर साइकिल, उसी के अकॉर्डिंग हम किसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे, जो हाइड्रो एसिड्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सही ये साइकिल है। सबसे पहले जो जनरली जो रिएक्शन है दैट इज़ अ एच एक्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ अ हैलोजन्स। ठीक है, हैलोजन्स के लिए मोस्टली हम एक्स को डिनोट करते हैं, एच एक्स एक्वस। ठीक है, उसको हमने डिसोशिएट करके एच पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव में हमने कन्वर्ट करना है, और जो मीडियम हमने प्रोवाइड करना है दैट इज़ अ एक्वस मीडियम। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो इसमें क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, एक्वस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा गैशियस में, बिकॉज जो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो दैट इज़ अ सिंपलेस्ट इन केस ऑफ गैशियस। ठीक है, मोस्टली हम गैशियस में ही आयनाइजेशन करवाते हैं और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो प्रोसेस है वो शुरू करवाते हैं, बिकॉज इसका मेजर जो रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि जो बॉन्डिंग है गैशियस फॉर्म में एटम्स में बहुत कम होती है। अगर हम लिक्विड स्टेट लेते हैं, लिक्विड स्टेट में जो एटम्स के जो बीच बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर आस। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या है, एक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, गैशियस फॉर्म में एक्स कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ प्रोवाइडिंग अ डिहाइड्रेशन। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, उसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम इस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, देन उसको हम क्या करेंगे, डिसोशिएट करेंगे किस में करेंगे, एटम्स में, इसको भी हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू अ डी, इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज अ डी, दैट इज अ डिसोशिएशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आयन्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आयन्स में इसमें क्या करना है, हमने एच को किस में कन्वर्ट करना है, एच पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज प्रोवाइडिंग अ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि इसमें हमने गैशेस स्टेट में किसी भी एटम का आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करवाना है, उसके लिए जो एनर्जी अप्लाई होती है दैट इज़ अ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एच जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एच पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक्स में क्या करना है, हमने एक इलेक्ट्रॉन को एडअप करना है, दैट स्टेप इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्टेप। ठीक है, और अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन एडअप करना है तो उसके लिए एनर्जी रिलीज होगी, बट अगर एक से ज़्यादा अगर हमने ऐड अप करना है तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिवर्शन इंक्रीज हो जाने के कारण हमें एनर्जी उसमें क्या करनी पड़ती है, अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें एक्स है, एक्स में हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करवाना है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं, दैट इज रिलीजिंग एनर्जी। ठीक है, इसमें एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट इसमें नहीं करेंगे, इसमें क्या है कि जो गैशियस फॉर्म है हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा वाटर में, और जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी तब हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। दैट मींस जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी, वो नेगेटिव फॉर्म में होगी। क्यों, क्योंकि जो कैटायन है चाहे वो नाइन है उसके साथ जो किसका बॉन्ड बन रहा है, वाटर का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज़ अ हाइड्रेशन एनर्जी। और इसमें क्या है, इसमें जो डेल्टा एच है दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा एच डिहाइड्रेशन प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस ई ए दैट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस डेल्टा एच दैट इज़ अ हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इन सभी को हमने एड अप किया, दैट इज़ इक्वल टू अ डेल्टा एच, इसके इक्वल है। और इसमें जनरली हमें क्या इसमें जो पॉइंट आउट करके इसमें रिमेंबर करके रखना है कि इसमें जब भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी दैट मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, इसमें जो नॉर्मली जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव में ही होनी चाहिए, जितनी नेगेटिव में वैल्यू होएगी दैट मीन्स वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। ठीक है, उसका हम जो इसका कंपैरिजन है, इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है, जो आयनाइजेशन है, वो हम टेबल में करेंगे।
इसमें सबसे जनरली उन्होंने एक साइकिल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें एक्वस है, ठीक है, एच एक्स एक्वस है, उसको गैशियस में कन्वर्ट कर दिया, देन उसको डिसोशिएट कर दिया, एच जो है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करके एच पॉजिटिव में, देन उसकी क्या कर दी, हाइड्रेशन कर दी। उसी तरीके से एक्स है, एक्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अप्लाई की, उसके साथ एक्स नेगेटिव एडअप हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको क्या कर दिया, हाइड्रेट कर दिया, ठीक है। उसके जो डिफरेंट डिफरेंट है, एच एफ है, एच सी एल है, जो एच बी आर है और एच आई है, उसकी ओवरऑल एनर्जीज इन्होंने दी हुई है, दैट इज़ -14, -43, -47 और -45, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसमें जो मेजरली जो फिजिबिलिटी है उसके लिए क्या चाहिए, उसमें डेल्टा एच की जो वैल्यू है दैट इज़ अ नेगेटिव, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होएगी दैट मीन्स उतना ही वो इजिली क्या कर सकता है, आयोनाइज करेगा और उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होएगा उसके अकॉर्डिंग। अब हम इस डाटे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग एच एफ दैट इज़ अ वीकेस्ट वन बिकॉज इट हैव अ वेरी लेस नेगेटिव वैल्यू, उसकी सबसे कम जो लेस नेगेटिव वैल्यू है। बट इसमें जो जो एक जो डिस्क्रिप्शन अगर हमें इसमें देना चाहिए उसके इस डाटे के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें जो एच बी आर है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बट हमने जो जो कंसेप्ट लगाया उसके अकॉर्डिंग क्या है, एच आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एच आई है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट, ठीक है। बट इस जो जो साइकिल है, जो बोन हैबर साइकिल है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एच बी आर है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एज compared to HI, as compared to HCl, as compared to HF, जो डिस्क्रिपेंसी है दैट इज़ ड्यू टू द इंट्रोपी फैक्टर, इसमें जो इंट्रोपी फैक्टर है उसी के अकॉर्डिंग हम अगर इसकी बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो इसमें चेंजेस आई हैं, ठीक है। बट इसको हम अगर डिसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है दैट इज़ अ एच आई बिकॉज इट हैव अ लेसर डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। एच आई की सबसे कम जो डिसोसिएशन एनर्जी है उसी के बेसिस पे हम इसको अगर अप्लाई करना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग एच आई दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन एज कम्पेयर टू एच बी आर, एज कम्पेयर टू एच सी एल और एज कम्पेयर टू एच एफ। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम कंजुगेट एसिड और बेस पेयर के अकॉर्डिंग भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और वीकेस्ट एसिड में हाइड्रो एसिड्स। अगर मैं कंजुगेट एसिड और बेस पेयर की बात करूं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या बोलता है, इसमें क्या है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है उसका जो बेस होगा दैट इज़ अ वीकेस्ट वन, तो इसमें क्या करेंगे हम, एच एक्स है उसको डिसोशिएट कर देंगे, दैट इज़ अ बेस, उसका क्या बन रहा है, एक्स नेगेटिव, दैट इज़ अ बेस। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम उसके आयंस की बात करें दैट इज़ एफ नेगेटिव, एच एफ का होगा एफ नेगेटिव, सी एल का क्या होगा, सी एल नेगेटिव, एच बी आर का बी आर नेगेटिव और एच आई का दैट इज़ अ आई नेगेटिव, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें अकॉर्डिंग ऑलरेडी हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया है कि जितना साइज़ बड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी दैट मीन्स उतनी उसकी बॉन्डिंग है जो एच पॉजिटिव आयन से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आई है, आई नेगेटिव है, वो ईजिली एच पॉजिटिव आयन को क्या कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एच एफ, क्योंकि एच एफ में क्या है, दैट हैव अ स्मॉलेस्ट साइज़ स्मॉलेस्ट होने के कारण उसका जो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतनी ही ज़्यादा है, उसका जो बेसिक करैक्टर है उतना ही ज़्यादा है, जितना ज़्यादा बेसिक करैक्टर होगा दैट मीन्स उतनी उसकी ईजिली बॉन्डिंग किसके साथ होगी, एसिड के साथ होगी, दैट इज़ अ एच पॉजिटिव, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होएगी एच पॉजिटिव दैट मीन्स दैट इज़ अ वीकेस्ट एसिड बिकॉज इट डज नॉट हैबिलिटी टू आयोनाइज एच पॉजिटिव आयन ईजिली। सो इसमें क्या है कि अगर हम कंजुगेट बेस पेयर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो जो बेसिक करैक्टर है वो एफ नेगेटिव का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सी एल नेगेटिव, एज़ कम्पेयर टू बी आर नेगेटिव और एज़ कम्पेयर टू आई नेगेटिव। आई नेगेटिव दैट इज़ अ वीकेस्ट वन, जो वीकेस्ट वन है, वीकेस्ट बेस है, वो एच पॉजिटिव आयन को ईजिली अट्रैक्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स वो ईजिली एच पॉजिटिव आयन को रिलीज़ कर देगा, दैट मीन्स उसी के बेसिस पर हम इसको कह सकते हैं कि जो एच आई है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज़ कम्पेयर टू एच एफ ऑन द बेसिस ऑफ कंजुगेट एसिड्स एंड बेस पेयर।
that is all about the strength of hydro acids. That I am describing these concept on the three. First one is the electronegativity and size of the atom. First concept about that, ठीक है. Second concept ने हमने Born-Haber cycle उसके according हमने explain किया. Third one is the conjugate acids and bases pair. That also be very very important in the examination point of view. Thank you so much.